मिस्त्री जी, मिस्त्री जी थोड़ा सुनिए ना। जी कहिए। हमारा साइकिल का नया चैन है, वो बार बार गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है प्लीज बताइए ना थोड़ा सा। क्या आप अपना साइकिल लाए हैं? साइकिल ले आइए। ठीक है, हम अपना साइकिल ले आते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप न्यू चेन लगवाते हैं अपना साइकिल में और चेन अगर बार बार आपका गिरता है तो ये गिरने का प्रॉब्लम क्या है और ये गिरने का प्रॉब्लम क्यों आता है न्यू चेन में। गाइस, तो ये सभी साइकिल में नहीं होता, बाय द वे किसी किसी साइकिल में ही होता है। तो इसी के रिलेटेड में एक डियर सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किए थे, डियर व्यूअर्स ने, उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सलूशन क्या आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर नॉलेजफुल वीडियो साइकिल रिलेटेड में लाते रहते हैं। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे गाइस, आपके पास किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो गाइस, अगर आप अपना साइकिल में न्यू चेन लगवाते हैं या फिर पहले से चेन लगा हुआ है और चेन उतरने का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, अगर न्यू चेन लगाने के बाद भी उतरने का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम होता है किस कारण से और ये प्रॉब्लम ना हो अपना साइकिल में तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो सबसे पहला चीज़ हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे गाइस, जैसा कि हम आप लोग को दिखा रहे हैं गाइस, तो देखिए वो गियर हो गया आपका, ये आपका फिरविल हो गया, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ का देखिए स्टेड में है एकदम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए एक लेवल में सीधा है, ठीक है गाइस। जरा सा भी आपका ना लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में, ठीक है गाइस, ये आपका बेंड नहीं है। तो चेन उतरने का जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है गाइस, ये आपका इसी चीज़ से होता है, बैक स्टैक से होता है, ठीक है गाइस। तो हम आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, तो इस चीज़ का नाम है गाइस बैक स्टैक, इस चीज़ का नाम है गाइस चेन स्टैक। तो रेंजर साइकिल का जो होता है गाइस, वो दोनों ही एक साथ में जुड़ा हुआ होता है और इस तरीका का साइकिल होता है गाइस, जिसमें एटलस 22 इंची हो या फिर 20 इंची हो, तो ये दोनों का देखिए गाइस अलग अलग है, ठीक है गाइस। लेकिन चक्का जहां फिट होता है उस जगह में सेम मिलाया जाता है इस तरीका से, ठीक है गाइस। तो चेन स्टैक और बैक स्टैक के बारे में आप समझिए बढ़िया से। तो ये चीज़ का क्या होता है गाइस, ये बैक स्टैक जो होता है इसका अलाइन होता है, ठीक है। अलाइन अगर सही से नहीं रहेगा तो ये चेन उतरने का प्रॉब्लम आ जाता है गाइस। और एक जो चेन उतरने का प्रॉब्लम होता है गाइस, वो आपका जो है इस जगह से आता है, ठीक है। ये जो गियर आप देख रहे हैं, ये गियर का वजह से भी चेन उतरने का प्रॉब्लम आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है चेन उतरने का, ठीक है, साइकिल में, वो आपका जो है ये चेन स्टैक से आता है, ठीक है गाइस। ये आपका चेन स्टैक से ही आता है, ज़्यादा करके चेन उतरने का प्रॉब्लम, अदरवाइज कहीं से नहीं आता। अगर आता भी है तो ये आपका गियर से आएगा, वरना नहीं आएगा। तो गियर से आने का मतलब गियर का भी अलाइन होता है गाइस। तो देखिए हम आप लोग को एक चीज़ और दिखाते हैं, देखिए जैसे हम गियर को रोटेट कर रहे हैं तो देखिए गियर हमारा एकदम स्ट्रेट में घूम रहा है, ठीक है गाइस, जरा सा भी बेंड नहीं है। अगर गियर आपका बेंड रहेगा तो चेन उतरने का प्रॉब्लम आएगा, और अगर आपका चेन स्टैक का अलाइन गड़बड़ाया हुआ रहेगा तो इसमें आपको चेन उतरने का प्रॉब्लम एकदम आएगा ही आएगा। चाहे आप न्यू चेन लगवा लें, न्यू गियर लगवा लें, न्यू फिरविल लगवा लें, या फिर सारा चीज़ आप न्यू करवा दें, जब तक ये चेन स्टैक का अलाइन सही से नहीं मिलेगा तब तक चेन उतरने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये चेन स्टैक को सीधा किस तरीका से किया जाता है, मिलाया किस तरीके से जाता है गाइस, इस पर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे, डेडिकेट वीडियो, जो कि आप लोग को देख करके समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं, उस तरीका का हम एक वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए ले आने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना साइकिल में न्यू चेन लगवाए हैं और चेन अगर उतर रहा है बार बार, तो जिस शॉप से, जिस मैकेनिक से आप अपना साइकिल का चेन लगवाए हैं उस शॉप में उस मैकेनिक के पास ले जाए और उनको बोले ये प्रॉब्लम हो रहा है, न्यू चेन आप लगाएं फिर भी हमारा साइकिल का चेन उतर रहा है, तो वो मैकेनिक वो शॉप वाले क्या करेंगे, आपका साइकिल का चेन को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आपका साइकिल का चेन कभी भी नहीं उतरेगा। और चेन उतरने का जो प्रॉब्लम था गाइस, आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से बता दिया हूं।